नमस्कार दोस्तों, बिरोल थाना क्षेत्र के संदीप हत्याकांड के आरोपी का अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों के साथ स्थानीय लोगों का गुस्सा आखिरकार सोमवार को फूट पड़ा और डुमरी मोड़ पर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। दरअसल रोमियो हत्याकांड में पुलिस प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने से नाराज पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों ने बिरोल शिवनगर घाट मुख्य मार्ग NH56 को जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि 5 दिन पूर्व संदीप उर्फ रोमियो हत्याकांड में हत्यारों की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने से नाराज लोगों के जख्म पर पुलिस पदाधिकारियों ने नमक छिड़कने का काम किया है। हालात इन दिनों पुलिस वालों की यह है कि आज तक इन 5 दिनों के में एक बार भी पीड़ित परिवार के जिज्ञासा करने या उनके घर तक पहुँचना इन अधिकारियों ने मुनासिब नहीं समझा। जानकारी के अनुसार एक बार फिर अधिकारियों के घर नहीं आने से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने बिरोल शिवनगर घाट मुख्य मार्ग को डुमरी मोड़ के निकट घंटों जाम कर दिया। इधर पीड़ित परिवार के समर्थन में लगभग 200 से अधिक संख्या में ग्रामीण सड़क पर जाम में उनके सपोर्ट में उनके समर्थन में खड़े थे। वहीं पुलिस के वरीय अधिकारी को जाम स्थल पर पहुंचकर संदीप हत्याकांड में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी करने का ससमय सीमा तय करने की घोषणा करने की मांग कर रहे थे। जाम लगने के सूचना पर थाना से आए पुलिस अधिकारी परिजनों एवं ग्रामीणों से वार्ता करने का प्रयास तो किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। वहीं मौके पर बिरोल के सर्किल इंस्पेक्टर सह प्रभारी SDPO ने अपने दल बल के साथ पहुंचकर प्रदर्शनकारी लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया और एक सप्ताह के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी करने का पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दरभंगा से पहुंचे बलहा गांव निवासी सहराजत के समर्थित उम्मीदवार दरभंगा MLC से उदय शंकर यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। चला और हम तुरंत यहाँ आए हैं, हमने SSP से भी बात किया, लेकिन उनका कॉल जो है सो डाइवर्ट था, तो उनके जो भी प्रभारी होंगे वो उठाए और हमको बोले जो थाना प्रभारी को हम भेज रहे हैं। थाना प्रभारी यहाँ आए, आश्वासन मिला है जो एक सप्ताह के अंदर हम सभी इसमें जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके आपको दिखाएंगे। अगर वो नहीं दिखाता है तो एक सप्ताह के बाद फिर जो है सो घेराव होगा थाना का। और थाना ही नहीं, हम लोग SSP को भी घेरेंगे। ये अंधी बाहरी सरकार आँख में पट्टी बांध के सोए हुआ है और प्रशासन आँख बंद करके नंगा निरित हत्या लूट अपहरण करवा रहा है। और अभी हम लोग आश्वासन के बाद इस धरना को तोड़ रहे हैं। मैं महागठबंधन समर्थित MLC उम्मीदवार उदय शंकर यादव, मेरा घर जिस जगह घटना हुई है उसी गांव में है और मैं भी उसी गांव के एक बेटा हूँ।